अगर कोई शख्स हुक्मरानी ना रखता हो और वह हुकूमत पर काबिज हो जाए, या हुक्मरान बनने के बाद कोई शख्स लाजमी सिफात अहलियत में से कोई सिफत आर्जी या मुस्तकिल पर खो बैठे, तो उसके तसल्लुत की हैसियत क्या? मुस्तशरिकीन कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ इस सिलसिले में कोई निज़ाम ही नहीं है, वजाहत फरमा दें। ये बात नहीं है भाई, इस्लाम ने तारीख़ में हम देखते हैं कि मुसलमान इस मामले में तनाव का शिकार रहे हैं, और अब तक इस सिलसिले में हम इबहाम का शिकार हैं। ऐसे नहीं है, अब वक्त नहीं है इस इतने लंबे इतना लंबे, सवाल जो है ना आपका ये मुतकाजी है इस बात का कि हम लंबी बहस करें, और वक्त है नहीं। ज़रा सी बात करते हैं, इसको इंशाल्लाह महफूज करते हैं, अगर 8 सितंबर को ये सामने आया तो फिर बात करें। हमेशा याद रखें, हमने शरीयत के निज़ामों को पढ़ा नहीं है, हमें सिर्फ शरीयत की इबादात थोड़ी बहुत पता है। शरीयत का सियासी निज़ाम, सोशियोलॉजी, जो इस्लाम का अपना एक निज़ाम है, हमने बिल्कुल उसे न सुना है न पढ़ा है, और मुस्तशरिकीन हमारी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हैं। इस्लाम सबसे पहले शूरा को तरजीह देता है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शूराई निज़ाम ही की तायीद फरमाई है, इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा था कि लोगों इस बात को भूल जाओ कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी फर्द को खिलाफत के लिए मुतय्यन करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लोगों ने पूछा कि आप कैसे ये कहते थे वालिद की ज़िंदगी में, तो उन्होंने कहा मुझे पता था, मैंने एक दिन वालिद से पूछा था कि आपके बाद कौन, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे अगर मैं किसी को मुकर्रर कर दूँ तो ठीक है, ना मुकर्रर करूँ तो भी ठीक है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। तरीका ये है, अगर मैं ये करूँ तो ठीक करूँगा, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा नाम इरशाद फरमाया था, अगर मैं ये करूँ तो भी ठीक करूँगा, वो मुझसे बड़े थे। तो कहने लगे मैं उसी दिन समझ गया था कि नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर शख्स पे उसकी पैरवी को तरजीह देते। इसे शूरा असल निज़ाम ये, हमारा और अहले तशय्यो का बुनियादी इख्तलाफ जो क़यामत तक हल नहीं हो सकता, वो यही है कि हम कहते हैं हमेशा खिलाफत शूरा का नतीजा है। वो कहते हैं हुकूमत मंसूस है, अल्लाह की जानिब से अहले बैत किराम में रहेगी, और इमाम मुतय्यन है जो खुदा करे। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुसलमान शूरा के पाबंद हैं, शूरा जो मुकर्रर करेगी वो। दूसरा निज़ाम वो था जो खिलाफत में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह मुकर्रर कर दिया, 6 आदमी, और उससे सईद रज़ी अल्लाह उनकी जब्बारी आई, और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से कि सईद को भी रखें कमेटी में, अशरा मुबशरा में है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह का मैं जानता हूँ सईद बहुत दयानतदार और अहल है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो मेरे बहनोई भी हैं, मैंने अगर अपने बहनोई को रखा और खिलाफत इधर चली गई तो लोग कहेंगे कि खिलाफत उमर ने अपने ख़ानदान को दे दी थी। यही वो हिकमत है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु चुन लेते तो सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालिफीन कहते, और अली के बाद हसन आ जाते, और हसन के बाद हुसैन आ जाते, और हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन आ जाते, उनके बाद बाकर आ जाते, और उनके बाद सादिक आ जाते, और ये सिलसिला यूं चल पड़ता, रहती दुनिया तक इस्लाम के चेहरे पे कालक लगती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम की हुकूमत कायम दुनिया में करने के लिए आए थे, बाकी नबूवत कुछ नहीं थी। वो तो चाहते थे कि हाशमी की हुकूमत कायम हो, और वो तो चाहते थे कि एक खास तबका रहे। यही वो चीज़ है जो अहले तशय्यो अब भी कहते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमाल किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमाल किया, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ पे हाथ रख दिया, उनका बैत करो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था ना कि बैत करो इसकी, अबू उबैदा की, तो उबैदा ने हाथ हटा दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा ही का हाथ पकड़ के हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे रख दिया और कहा अबू बकर की बैत करो।
और किसी ने कहा अबू बकर कहने वाले कौन थे, साद इब्न उबादा थे, कि हम बैत नहीं। उमर रज़ी अल्लाह का मैं मार दूंगा तुम्हें जान से, फरमाया मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा अबू बकर की बैत नहीं करोगे। वो चले गए शाम, नहीं बैत की ना सही। वो वक्ती तौर पे जो उमर रज़ी अल्लाह ने सख्ती के लफ्ज इस्तेमाल किए थे, मौके की मुनासिबत थी। अगर साद रज़ी अल्लाह के साथ मुनाफिकीन जुड़ जाते तबाही फिर जाती। इसी शूरा को हजरत अली रजी अल्लाह ने बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा उमर रजी अल्लाह ने गोया ये फरमाया, ये लफ्ज़ तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम ये समझे उनकी बात से, कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने 6 आदमी मुकर्रर किए थे, मैं अहले बदर जितने भी बदरी हैं ना ये मेरी सारी शूरा है। इसीलिए इसने मुआविया रजी अल्लाह ने लिखा था कि आपकी खिलाफत की क्या दलील है। हजरत अली रजी अल्लाह ने लिखा कि मुआविया अल्लाह की कसम जो बदर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और आज जिंदा है, कोई एक शख्स बताओ जो जिसने मेरी बैत ना की हो। ऐसे मुआविया रजी अल्लाह कोई जवाब नहीं दे सके, जानते थे खिलाफत का निजाम कायम रहे और हुक्मरानी शूरा से आए, ये ऐन इस्लामिक स्टेट है, अदल का निजाम कायम रहे और जैसे आपने लिखा है जबर से हुकूमत आ जाए तो ये सुल्तान है। मुसलमान बादशाह आमतौर पे सलातीन थे, जबर से हुकूमत ली हुई थी, और अगर हुकूमत जबर से आए और कानून इस्लाम के मुताबिक ना रहे तो ये जालिम बादशाह है, बशर्ते कि उसकी नस्ल में चले, और इस्लाम का कानून भी नाफिज न करे और हकूमत जमहूरियत के रास्ते से मिले या जबर से मिले तो जबर के जरिए जो हकूमत आए और इस्लाम का निज़ाम भी ना आए, और जमहूरियत के वास्ते से हकूमत आए और इस्लाम का निज़ाम ना आए तो ये दोनों जालिम हुक्मरान हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। अल्लाह चाहे तो मुआफ़ फरमा दे और खुदा चाहे तो पकड़। ये इस्लाम का सारा निज़ाम है जिसे उन्होंने किताबों में लिखा है। आखिरी बात इस सिलसिले में वो ये है कि माजूली बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है। आपको पता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के ज़माने में गनीमत की तकसीम की थी खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ने, और एक निकाह कर लिया था खालिद रजी अल्लाह उन्होंने, फौजी थे ना, उस लड़की को अपने खैमे में बुलाया जो सहाबा रजी अल्लाह थे, उनसे बात की और फरमाया मैं निकाह करना चाहता हूँ। हो गया, सैयदना उमर रजी अल्लाह मदीना मुनव्वरा में थे और ये हुआ है तो वकर रजी अल्लाह के दौर में। सैयदना उमर रजी अल्लाह ने कहा वकर खालिद पे हद जारी करें और जो उसने माल की तकसीम किया है ना ये तो मुझे कतअन काबिले कबूल नहीं है, माल वापस लें, खालिद को उसके ओहदे से उतारें और हद जारी करें। ये तीन मुतालबात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बार बार कहते रहे, हत्ता के हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने एक दिन कहा उमर समझो बात को, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह ने जो तलवारें काफिरों के खिलाफ हमें दी हैं ना उनमें से खालिद एक तलवार है। हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया था तो जो तलवार इस्लाम की हिमायत में उठी और लोगों को काटती रही है क्या तुम चाहते हो मैं उसे नियाम में डाल दूं? फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह नहीं बोले। जब अपना दौरे हुकूमत उनका आया ना तो तीन में से दो बातें उनके जहन में थी, एक ये चीज थी कि खालिद को इन चीजों के बाद कोई क़यादत का हक बाकी नहीं रहता, इसे हटा देना चाहिए। उन्होंने 13 हिजरी में खिलाफत मिलते ही पहला खत लिखा, ऐन मैदान जंग है और ऐन मैदान जंग में लड़ाई जारी है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को एक एक पल की खबर पहुंच रही है कि किस तरह इराक पता हो रहा है और फौजें आगे बढ़ रही हैं। ऐन इस हालत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने लिखा कि मैं खालिद को माजूर करता हूँ और उबैदा बिन अल जर्राह को मुकर्रर करता हूँ, मुसलमानों के अमीर हैं, और खालिद मदीना मुनव्वरा आए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह को ये खत लेके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बुलाया, बिलाल रज़ी अल्लाह को खत दिया और कहा यह मेरा ऑर्डर लेके जाओ।
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे, जंग जारी थी। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त पढ़ा और अपने पास रख लिया। तीन दिन तक जंग का फैसला नहीं हुआ। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल इस हुक्म को नाफिज नहीं होने दिया। बही माना कि उन्होंने कहा ठीक है, अमीरुल मोमिनीन ठीक कहते हैं, हम उनके ताबे हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है यार, ठहरो। तीन दिन बाद फतह हुई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु असल में ज़ाती तौर पर हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे, तो उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा बिलाल मिंबर पे बैठो, सारी फौज के सामने ये ख़त पढ़ो। मुझे बड़ी शर्म आती है कि खालिद जैसे इतने बहादुर और बड़े आदमी को मैं माजूर कर दूँ, मैं उनका तो छोटा हूँ, शर्म आती। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में ये छोटे बड़े की हया और तमीज़ थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त पढ़ा और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल खामोशी से नीचे उतरे और अपनी पगड़ी उतार दी। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के सर पे बांध दी और अबू उबैदा को खुद बिठाया और कहा हज़रत मैं मदीना मुनव्वरा जाता हूँ, हज़रत ने बुलाया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े खुश हुए खालिद से, कहा लोगो मैंने जो खालिद को माजूल किया है तो उसकी वजह है, ये मत समझना कि मुझे खालिद से कोई दुश्मनी है, अलबत्ता मैं खालिद से एक मुतालबे पे अब भी कायम हूँ कि पैसे वापस करे। पैसे पैसे हमारे थे बैतुल माल के। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी मस्जिद नबवी में मिलते थे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे खालिद मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, तुमने मेरा हुक्म माना, कमांडर होना छोड़ दिया, लेकिन एक बात बाकी है, पैसे वापस करो। एक दिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी चीज़ें ला के रख दी। उनका अमीरुल मोमिनीन मेरे कपड़े हैं और हज़रत ये मेरा असलहा है, ये मेरा ग़ुलाम है, ये मेरी सवारी है, चारों चीज़ें मेरे घर में कुछ नहीं है, इसके अलावा आप कर लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हिसाब लगाओ, हिसाब किया गया तो 80,000 दिरहम के बने। उनका असलहा बड़ा कीमती था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा 40,000 हमारे हैं, बैतुल माल में जमा कराओ खालिद, और 40,000 तुम्हारे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु 40,000 लिए, खामोशी से चले गए। ये मिजाज है इस्लाम का, माजूली में भी अमीर की इताअत ज़रूरी है, अमीरुल मोमिनीन की इताअत। और अमीरुल मोमिनीन बावजूद खुशी के, सरकारी माल है ना, आम पब्लिक का हक बनता है ना, बिल्कुल किसी छोटे बड़े की तमीज़ नहीं, पैसा जिसके ज़िम्मे बनता है जमा करा। ये है मिजाज।